एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर रिचविन डॉक्टर टेनमा को एक रेस्टोरेंट में ले आते हैं जहां वेटर बड़े ही मजे से खाना खा रहा होता है और यहां पे टेनमा एकदम सेफ होता है। उसके बारे में कोई भी यहां पे पता नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये थोड़ा खास है, यहां पे कोई भी नया इंसान नहीं आ सकता और अगर गलती से कोई आ जाता है तो ओटो नाम का ये बंदा उसे बाहर फेंक देगा। ओटो ने टेनमा के लिए एक रूम भी सेट कर दिया होता है लेकिन वहाँ पे थोड़े से चूहे होते हैं। इसके बाद शुक्रिया अदा करता है रिचविन और ओटो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिचविन बोलते हैं ये थोड़ा सा तुम्हें रूड लग सकता है लेकिन वो सच में बहुत अच्छा इंसान है, अब खाना खाओ, खाली पेट तुम कुछ कैसे कर सकते हो। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए एक रूम अरेंज किया। और तब रिचविन बोलते हैं शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए वरना मेरा कवर बन जाता, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे खाना खा पा रहा हूँ। इसके बाद टेनमा खाना शुरू कर देते हैं और रिचविन बोलते हैं कि मैंने रूडी से बात की है, उसे सुन के अच्छा लगा कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, क्या तुमने उसका मैसेज पढ़ा था न्यूज़पेपर में। और टेनमा बोलते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा था। इसके बाद रिचविन बोलते हैं तो फिर तुमने उसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। और टेनमा बोलते हैं क्योंकि मैं उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता। इसके बाद रिचविन बोलते हैं कि पागलों की तरह बातें मत करो, दोस्त किस लिए होते हैं, दोस्त का तो यही काम होता है, वैसे तुमने कहा था कि तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हो। और टेनमा बोलते हैं हाँ रिचर्ड ब्राउन के साथ जो हुआ उसकी वजह से, रिचर्ड ब्राउन जब एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था तब उसने 16 साल के एक सीरियल किलर को मार दिया था और जब मैं वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब रिचर्ड ने उस बच्चे को पहचान लिया, वो बच्चा 511 किंडरहाइम से था। इसके बाद रिचविन बोलते हैं 511 किंडरहाइम ये क्या होता है। और तब टेनमा बोलते हैं 511 किंडरहाइम एक अनाथ आश्रम है ईस्ट बर्लिन में, डीटर के पिता वहाँ पे टीचर हुआ करते थे। इसके बाद रिचविन बोलते हैं इस अनाथ आश्रम में क्या खास है। और तब टेनमा बोलते हैं कि 511 किंडरहाइम में जोहान भी रहा करता था। इसके बाद रिचविन बोलते हैं अच्छा तो रिचर्ड ने जिसको मारा था और जोहान के बीच में कोई कनेक्शन है। और तब टेनमा बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया था लेकिन रिचर्ड मारा जा चुका है, मैंने रिचर्ड की समाधि के पास आपको देखा और मैंने आपको फॉलो किया। इसके बाद रिचविन बोलते हैं रिचर्ड तुम मरने के बाद भी मेरी मदद करे हो, टेनमा तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो, हम प्रूव कर देंगे कि तुम निर्दोष हो, जोहान हमारी आंखों के सामने है। और वो अपनी पॉकेट के अंदर से फोटो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद आता है कि उस फोटो को इन्होंने अपने अपार्टमेंट के टेबल के ऊपर रख दिया है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं अब उसका कोई फायदा नहीं है, जो आपको मारने के लिए आया था उसने अभी तक उस फोटो को तबाह कर दिया होगा। इसके बाद रिचविन बोलते हैं जो मुझे मारने के लिए आया था उसका नाम हेस था, उसकी बीवी के कहने पे मैंने उसके साथ काउंसिल किया था लेकिन जब मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला तब पता लगा कि हेस नाम का कोई बंदा है ही नहीं, जोहान हमारी आंखों के सामने है यानी कि वो हमारे करीब है, हम उससे मिल सकते हैं, हम उससे फेस टू फेस मिलेंगे। इसके बाद टेनमा बोलता है मैं उससे मिलना चाहूंगा, मुझे जोहान से मिलना है। इसके बाद रिचविन टेनमा को शुवर्ट की कंपनी के पास ले आता है और बोलता है कि जनरली कभी भी शुवर्ट यहाँ पे नहीं आता लेकिन वो इस बार यहाँ पे आएगा। रिचर्ड ने पता लगाया था कि उसकी कंपनी नॉर्मली ग्रोथ कर रही थी लेकिन जब से जोहान यहाँ पे आया है तब से उसकी कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, इसीलिए सिर्फ शुवर्ट ही नहीं उसके जितने भी फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं वो सब यहाँ पे मिलने के लिए आएंगे। इसके बाद दरवाजा खुलता है और रिचविन बोलते हैं कि वो रहा जो व्हीलचेयर के ऊपर है वो शुवर्ट है, उसको जो लेके आ रहा है वो उसका बेटा काल है और जरा ध्यान से देखो उसके पीछे कौन है। और हम देखते हैं जोहान यहाँ पे होता है जो बड़े ही धीरे धीरे चल रहा होता है। जोहान को देखने के बाद टेनमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद रिचविन बोलते हैं क्या ये वही है। और टेनमा बोलते हैं हाँ ये वही है, पहली बार के लिए मैं इसे दिन में देख रहा हूँ, मैंने हमेशा इसको काली अंधेरी रात में ही देखा है। इसके बाद रिचविन बोलते हैं कोई बात नहीं, हम उसको दिन के उजाले में ले आएंगे, हम प्रूव कर देंगे कि तुम निर्दोष हो लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ऑटो के पास छुपके रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिचविन को जो रिचर्ड के फाइल केस को पढ़ रहे होते हैं और सोचते हैं रिचर्ड बहुत जल्दी हम तुम्हारा बदला ले लेंगे, जोहान अब बच नहीं सकता, हमने टेनमा को ढूंढ लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये टेनमा को बताते हैं कि बस अब एक काम बाकी है, हमें बस ये पता लगाना होगा जिस रात रिचर्ड मरा था उस रात जोहान उसके साथ था या फिर नहीं था, हमें किसी ऐसी की जरूरत है जिसने जोहान और रिचर्ड को एक साथ देखा हो उस रात को, अगर हम ये भी ना कर पाए तो फारहान नाम का एक स्टूडेंट हुआ करता था जो अपने आप को शुवर्ट का बेटा बताया करता था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने से पहले वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिला हुआ था, अगर हम पता लगा लेंगे कि फारहान के साथ कौन था तो भी बात बन जाएगी लेकिन अगर ये भी ना हुआ तो जोहान के पेरेंट्स से भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि उनका जो असली बेटा था जोहान लीवर्ट वो बहुत पहले ही मर चुका है, मैंने खुद उसकी समाधि देखी है। इतना सब सुनने के बाद भी टेनमा कुछ भी नहीं बोलता और रिचविन बोलते हैं टेनमा कुछ तो बोलो, तुम्हें देख के मुझे रिचर्ड की बातें याद आती है, ऐसा लगता है कि तुम अकेले न्याय के लिए इस दुनिया से लड़ रहे हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं और रूडी हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रिचविन को याद आता है कि टेनमा ने कहा था कि
मैं किसी और को परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं पहली बार के लिए जोहान को दिन में देख रहा हूँ और इन्हें याद आता है कि कैसे टेनमा ने इनकी जान बचाई थी। तभी रूडी का कॉल आता है। ये कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया कि कॉल किया, मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था। और रूडी बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन टेनमा कहाँ पे है? रिचवेन बोलते हैं वो उसी जगह पे छुपा हुआ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद रूडी बोलते हैं ठीक है, लेकिन उसे बाहर जाने मत देना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, टेनमा जोहान का पीछा इसलिए नहीं कर रहा ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। इसके बाद रूडी बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद अचानक से रिचवेन नीचे भागने लगते हैं और वो देखते हैं डीटर बाहर खड़ा हुआ होता है। ये डीटर से जाके पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डीटर बोलता है टेनमा ने मुझे यहाँ पे भेजा। ये बोलते हैं टेनमा कहाँ पे है? और डीटर बोलता है कि वो चला गया। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं वो कहाँ पे गया? और डीटर बोलता है कि वो ये करने वाला है, टेनमा ये करके ही रहेगा, उसे रोकिए मिस्टर रिचवेन, उसे रोकिए। और हम देखते हैं डीटर रो रहा होता है और बोलता है टेनमा एक मर्डर बन जाएगा। इसके बाद हम इंस्पेक्टर लुंगे को देखते हैं जो जेल के अंदर जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं रूडी को जो एक साइकोपैथ से बातचीत कर रहा होता है। वो साइकोपैथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने मर्डर के बारे में बताने जा रहा होता है, लेकिन रूडी इसे मना करते हैं और कुछ पुलिस वाले इसे यहाँ से उठा के ले जाते हैं। लेकिन ये बंदा जाते हुए भी अपनी कहानी बता रहा होता है, यानी कि ये साइकोपैथ एकदम सरफिरा है। वैसे साइकोपैथ का मतलब ही सरफिरा होता है। इसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे आ जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर गिलन आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। रूडी बोलता है कि तुम कौन हो? इसके बाद लुंगे अपना बैच दिखाते हैं और बोलते हैं मैं लुंगे हूँ BKA से। इसके बाद रूडी बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था उन सबको तुमने ही अरेस्ट किया था। इसके बाद लुंगे बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बुक को पढ़ा है, वो बहुत बढ़िया है, स्पेशली तुमने जो 126 से लेकर 194 पेज में लिखा है थर्ड चैप्टर के हांस काल के ऊपर, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुमने क्रिमिनल के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, तुमने पता लगा है कि कैसे ट्रॉमा की वजह से एक यंग इंसान क्रिमिनल में बदल जाता है। इसके बाद रूडी बोलता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं कि मेरा भी इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, मैं अपने आप को क्रिमिनल में बदल देता हूँ, मैं बिल्कुल उसी की तरह सोचता हूँ। इसके बाद रूडी बोलता है आपके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपसे बातें करता। इसके बाद लुंगे बोलते हैं हम दोनों के पास ही वक्त नहीं है, लेकिन आजकल तुम हफ्ते में 3 बार म्यूनिख जाते हो, ऐसा क्यों? जरा बैठो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचवेन से आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मिलते हो। और रूडी बोलता है क्योंकि वो मेरे टीचर थे कॉलेज में। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं डुसेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी में है ना, लेकिन वहां पे तुम्हारे साथ एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ा करता था जो आगे जाके एक न्यूरोसर्जन बन गया। तुम उससे मिल चुके हो ना, है ना? तुम डॉक्टर टेनमा से मिल चुके हो ना? और रूडी बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इसके बाद लुंगे बोलते हैं चलो अपनी चीटिंग के बारे में बातें करते हैं, तुमने ये चीज मई 1 से मई 22 तक लोकल न्यूज़पेपर में लिखी थी, है ना? मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट भी कॉपी करते हो, ये तो अच्छे दोस्त ही कर सकते हैं। इसके बाद रूडी बोलता है हम कॉलेज में दोस्त ही नहीं थे। इसके बाद लुंगे बोलते हैं आखिरी साल मई के महीने में ओडर पार्क के पास तुमने टेनमा को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद की थी, लेकिन वो भाग गया। इसके बाद रूडी बोलते हैं क्योंकि मेरा हियरिंग डिवाइस खराब हो गया था। इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने उसको भागने में मदद की थी। इसके बाद रूडी बोलता है टेनमा निर्दोष है, अपना दिमाग खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आईसीएल मेमोरियल हॉस्पिटल में जो 3 कत्ल हुए थे डुसेलडॉर्फ में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जिस पेशेंट को मार दिया गया था, हाइडलबर्ग में जो मर्डर हुआ था, और जितने भी सारे मिडिल एज कपल को मारा जा रहा है, ये सब किसी सिरफिरे का काम है, डॉक्टर टेनमा का नहीं। मैं एक एक्सपर्ट क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं टेनमा से बातचीत कर चुका हूँ और मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि टेनमा निर्दोष है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं तो फिर टेनमा कहाँ पे है? रूडी बोलते हैं वो भाग गया। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं अगर वो निर्दोष है तो फिर वो भाग क्यों रहा है? रूडी बोलते हैं मैंने कहा ना वो निर्दोष है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो फिर तुम्हें उसने बताया क्यों नहीं? इसके बाद रूडी बोलते हैं मेरे पास प्रूफ है, वो एक क्रिमिनल नहीं है, ये देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है। इसके बाद लुंगे एक एक करके सारे पेपर को पढ़ने लगते हैं और बोलते हैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में तुम्हें बहुत मेहनत लगी होगी। इसके बाद रूडी बोलते हैं क्या तुम अब समझ गए? और इसके बाद लुंगे बोलते हैं कि हाँ, शुबर्ट का बेटा बनने की कोशिश कर रहा था फॉरेन और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद इस केस को रिचर्ड ब्राउन ने लिया, लेकिन अचानक से उसकी भी मौत हो गई और इन सब के पीछे एक बंदा है जिसके ऊपर तुम सब शक कर रहे हो, और टेनमा के हिसाब से वो बंदा है जोहान लीवर्ट।
ब्रुंडल के अंदर जोहान वेंकल लीवर्ट नाम का एक छोटा बच्चा बहुत पहले था, जो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। और जब रिचवेन ने इसके ऊपर और थोड़ा स्टडी किया, तब रिचवेन के ऊपर भी अटैक हो गया। अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब बेकार है। हम कभी भी साबित नहीं कर सकते कि ये सब कुछ रिलेटेड है। और टेनमा को इसके बारे में अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो भाग गया। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? इसके बाद रूडी बोलते हैं, तुम अपने हाथों को इस तरह से क्यों मूव करते हो? इसके बाद लुंगे बोलते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे इससे अच्छी तरह से याद रह जाता है। इसके बाद रूडी बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है, और मुझे भी होती है, लेकिन मैं अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें सिर्फ सच्चाई रिकॉर्ड होती है, लेकिन रही बात तुम्हारी, तुम जो कुछ भी याद करने की कोशिश करते हो उसमें तुम्हारा खुद का ओपिनियन होता है। अगर तुम्हें लगता है कि वो क्रिमिनल है, तो वो हमेशा तुम्हारी नजर में क्रिमिनल ही रहेगा। तुम इसी तरह से काम करते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेमोरी एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? कुछ भी नहीं ना, तुम सिर्फ काम करने के लिए जीते हो। क्या तुमने कभी कोई गलती की है? तुम्हें गलती करने से डर लगता है ना, और इसीलिए तुम्हें टेनमा एक क्रिमिनल लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमने जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जरा इस फोटो को देखो, ये सच्चाई है, ये जोहान लीवर्ट है। क्या तुम साबित कर सकते हो कि टेनमा ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था? इसके बाद लुंगे बोलते हैं, ये बंदा मुझे कहां पे मिलेगा? इसके बाद रूडी बोलते हैं, ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, फिलहाल के लिए शुबर्ट के लिए सेक्रेटरी की तरह काम करता है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं, क्या मैं इस फोटो को रख सकता हूँ? और ये आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, इसके बाद से सब कुछ पुलिस संभाल लेगा, शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वैसे टेनमा कहाँ पे है? और रूडी गलती से बता देते हैं कि शायद वो अभी भी म्यूनिख में होगा। इसके बाद लुंगे आगे बढ़ जाते हैं और ये म्यूनिख पुलिस को फोन करके बोलते हैं कि टेनमा म्यूनिख के अंदर है, नाकाबंदी लगा दो। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा को, जो एक बंदे से मिलकर स्नाइपर राइफल मांगता है। वो बंदा बोलता है कि ये कैसी बातें कर रहा है तू? और इसके बाद टेनमा बोलता है कि अभी तक तुम्हें हेटमायर ने कॉल कर दिया होगा। और ये बंदा बोलता है कि 10,000 एडवांस में चाहिए। टेनमा इसको पैसे दे देता है और ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा जो ऑर्डर है उसको तैयार करने में हमें एक हफ्ता लग जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे होने से वो चीज काम की नहीं बन जाती, तुम्हें बंदूक चलाना भी आना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पे टेनमा न्यूज सुन रहा होता है और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन बेटे अगर खाना नहीं खाएगा तो बॉडी कैसे बनेगी? खुद डॉक्टर है लेकिन इतना ज्ञान नहीं है तेरे पास। खैर, टेनमा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और थक के नीचे गिर जाता है। और इसके बाद ये न्यूज को देखता है, जहां पे हम देखते हैं शुबर्ट को, और शुबर्ट के साथ होता है जोहान। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा, कुछ भी मजेदार सा लिख दो। कमेंट अगर मजेदार होगा तो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों, एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ, तुम्हें सवाल आ सकता है कि टेनमा इतना दुखी क्यों लग रहा था? देखो, जोहान की जान टेनमा ने बचाई थी, इसीलिए जोहान जब भी किसी को मारता है तो टेनमा को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत टेनमा की वजह से हुई है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना। उसके ऊपर तुम हथौड़ा मारो या फिर रोबोटों का सर लाके मारो, लेकिन घंटी की आवाज आ जानी चाहिए।